हेलो बच्चों, देखो आज हम लोग बच्चों एक बेसिक टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं अपना जेई का, ठीक है। इसमें छोटी सी बात है, पहले मैं तुम्हें बता देता हूँ कि आखिर हम लोग करने वाले क्या है और क्या आज हम लोगों की स्टार्टिंग है, ठीक है। देखो आज हम लोगों ने स्टार्ट किया है एक छोटा सा टॉपिक इनइक्वालिटी। एज सच इसके क्वेश्चन जो वो तुम लोग को जो डायरेक्टली मिलते हैं ना वो बहुत कम होते हैं, ठीक है। लेकिन इस चैप्टर का जो यूज़ है वो पूरे के पूरी मैथ में कम नहीं तो बेटा 6-7 चैप्टर में तो मिनिमम है, ठीक है। किसी भी चैप्टर में कभी भी आ सकता है, लेकिन मिनिमम कितने चैप्टर में यूज होगा, ये 6-7 चैप्टर तो पक्का आता है, ठीक है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, वो सारी बेसिक चीजें सीखेंगे जिससे हमें चैप्टर के बीच में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, अपनी बेसिक मैथ, ठीक है। जो 10th और 11th के स्टार्टिंग में, जैसे 10th खत्म होता है उसके बाद 11th की स्टार्टिंग में हम लोगों को सीख लेनी चाहिए, ताकि जब हम लोग चैप्टर वाइज चलेंगे, टॉपिक वाइज चलेंगे, तो हम लोगों को कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, ठीक है। अब हमारे पास चैप्टर का नाम मैंने क्या लिखा हुआ है, इनइक्वालिटी, ठीक है। अब देखो इनइक्वालिटी में नाम ही में क्लियर है, इक्वल का मीनिंग हमारे पास क्या होता है, बराबर। इनइक्वालिटी का मीनिंग कैसे होता है, डिसबैलेंस, क्लियर दिख रहा है ना। एक साइड ज्यादा होगा, एक साइड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे देखो हम लोगों ने सीखा है कि इक्वल टू का साइन तो ये होता है, ये साइन किसके लिए होता है, हम लोगों की इक्वालिटी के लिए। लेकिन अब हम लोगों का टॉपिक क्या है, इनइक्वालिटी। तो इनइक्वालिटी का मतलब क्या हुआ, इक्वल नहीं होगा, इक्वल से क्या होगा, या तो ज्यादा होगा, नहीं तो ये क्या हो जाएगा, अपने आप ही कम हो जाएगा, ठीक है। तो देखो ज्यादा होगा तो उसे हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ग्रेटर देन, ठीक है, या फिर क्या बोलते हैं, सी में एक आ जाता है ग्रेटर देन इक्वल टू, ओके। नहीं तो फिर क्या आता है बेटा, लेस देन, नहीं तो क्या आ जाता है, लेस देन इक्वल टू, ओके। यदि क्या चीज हुई हम लोग के सामने, अगर चीज बराबर नहीं है तो वो क्या होगी हमारे सामने, या तो उससे बड़ी होगी, नहीं तो फिर उससे क्या हो जाएगी, छोटी। ग्रेटर देन का मतलब क्या होता है, चीज उससे बड़ी होना, ठीक है। ग्रेटर देन इक्वल टू का मतलब क्या होगा, बड़ा भी होगा और बराबर भी होगा। लेस देन का मतलब क्या हो जाएगा, छोटा होना। लेस देन इक्वल टू, इसका नाम क्या होता है, लेस देन इक्वल टू, इसका मीनिंग क्या हो जाता है, छोटा भी होगा और क्या भी हो जाएगा, बराबर भी हो जाएगा। अब कहोगे सर ये आप छोटा बड़ा क्या कर रहे हैं, तो देखो एक एग्जाम्पल से मैं तुम्हें समझाता हूं। जैसे मान लो बेटा हमारे पास लिखा है x इक्वल्स टू 5, ये क्या लिखा है हमारे सामने, x 5 के बराबर है, ठीक है। ये मैंने क्या बोल दिया कि x 5 के बराबर चल रहा है। अब इसी चीज को अगर हम लोग इनइक्वालिटी में देखेंगे तो क्या आ जाएगा, ये हमारे सामने, या तो ये केस आ जाएगा, नहीं तो ये हो सकता है। ये क्या लिखा है मैंने, x ग्रेटर देन 5। अब x ग्रेटर देन 5 का मीनिंग क्या हो गया, x 5 से बड़ा है, ठीक है। ये क्या कह रहा है, x 5 से छोटा है, ओके। अब देखो जैसे ही मैंने बोला 5 से बड़ा है या 5 से छोटा है, तो तुम्हारे दिमाग में तुरंत आएगा सर ये 5 से बड़ा क्या होगा। नॉर्मली हम लोगों के माइंड में क्या जाता है, 5 से बड़ा क्या होता है, 6, 7, 8। लेकिन देखो ये पूरी तरीके से गलत है, 5 से बड़ा क्या होता है बेटा, 5.1, 5.01, 5.001। देखो ये सब क्या हो गए, 5 से बड़े हो गए। तो 5 से बड़े का मतलब क्या है, 5 से बड़े का मतलब 5.000, जितने जीरो तुम लगाना चाहो, इनफाइनाइट। और यहां पे हम लोग लास्ट में क्या मार सकते हैं, 1, ठीक है। यहां पे तुम क्या लगा सकते हो, कि अपना 1 लगा दोगे तो ये तुम्हारा क्या हो गया, 5 से बड़ा। ये मत कहना कि 5 से बड़ा डायरेक्टली क्या हो जाता है, 6, ये बिल्कुल भी ट्रुथ नहीं है। हाँ ये ट्रू कब हो जाता बेटा, जब इंटीजर बोलता हूं, कि वो बोल देता कि ये एक इंटीजर नंबर है, पूर्ण संख्या जिसे हम लोग बोलते हैं, ठीक है, 5, 6, 7 ऐसे नंबर, अगर ये बोलता तो ट्रू था। लेकिन अभी मैंने ऐसा तो नहीं बोला था, मैंने क्या बोला था, 5 से बड़ा। जैसे मैं ही हूं, अगर मैं बोलूं कि मेरे से बड़ा कौन है, तो ऑब्वियस सी बात है जिसकी हाइट मेरे से इतनी भी ज्यादा होगी तो वो मेरे से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तुम लोग, तुमसे अगर मैं बोल रहा हूं कि हाइट में कौन है, हाइट वाइज चल रहे, तो अगर तुमसे बड़ा कौन है, तो तुम तुरंत क्या करोगे, तुम्हारी हाइट नापोगे, इससे जो ज्यादा है वो मेरे से बड़ा है, इससे जो छोटा है वो मेरे से क्या हो जाएगा, जो कम है वो छोटा हो गया, ठीक है। तो इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, इनइक्वालिटी। अब देखो जैसे मैंने ये टॉपिक दिया कि 5 से बड़ा, अब देखो 5 से बड़े नंबर कितने हो गए, अब तो हमारे पास इनफाइनाइट नंबर हो गए 5 से बड़े, जैसे 5.00001 यही इतना बड़ा है, 5.0001 कम कर दो
5.002, तो ऐसे कितने सारे नंबर हो गए हमारे सामने, इनफाइनाइट नंबर। ठीक है, यानी अगर मैं तुमसे बोलूं कि किसी नंबर से बड़ा नंबर बताओ, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये तुम्हारे सामने इनफाइनाइट आंसर है, मतलब इसके आंसर का कोई अंत नहीं है। ठीक है, 5 से छोटे नंबर मैंने बोला तो तुम्हारे सामने तुरंत क्या बोलोगे, सर 5 से छोटे नंबर तो बहुत सारे हो गए हमारे पास। तो देखो कई सारे नंबर है, इंपॉर्टेंट चीज क्या है, कई सारे नंबर है। तो देखो बच्चों, अगर कई सारे नंबर है तो इसका मीनिंग क्या हो गया, मैं तुम्हें नंबर लाइन के थ्रू बताता हूं। मान लो हम लोगों ने एक लाइन ली, जैसे मैंने अभी बोला था 5, तो यहां पे 5 ले लेते हैं। ठीक है, अब देखो नंबर लाइन क्या होती है बेटा, जहां पे सारे नंबर आते हैं हम लोग के पास, माइनस इंफिनिटी से लेके प्लस इंफिनिटी तक, जहां पे क्या आते हैं सारे नंबर, माइनस इंफिनिटी से लेके प्लस इंफिनिटी तक। अब मैंने तुमसे बोला कि 5 से बड़ा बताओ, तो देखो 5 से बड़ा अपने पास क्या है, ये पूरा एरिया हो गया, ये तुम्हारे पास क्या हो गया 5 से बड़ा। ठीक है, दिख रहा है ना 5 से बड़ा, क्योंकि यहां पे क्या आएगा, सारे नंबर जो होंगे वो ग्रेटर देन क्या हो जाएंगे अपने पास 5, और जो ये एरिया है, ये वाला एरिया जो है अपने पास, ठीक है, इसको हम लोग ले लेते हैं ऐसे वाले पे, ये जितना भी है यहां से लेके ये पूरा जितना भी दिख रहा है, ये सारे क्या हो जाएंगे 5 से छोटे। क्लियर है, अब देखो ये 5 से बड़ा वाला एरिया है, तो ये कहां से कहां तक जा रहा है हमारे पास, इंफिनिटी तक, 5 से लेके कहां तक जा रहा है, इंफिनिटी तक। ठीक है, और ये क्या कह रहा है, माइनस इंफिनिटी से लेके कहां तक आ रहा है, 5, 5 नहीं होगा दोनों केस में, 5 नहीं होगा, 5 से छोटा मतलब उससे छोटा नंबर लेना होगा। ठीक है, तो यहां से लेके ये जितना एरिया दिख रहा है ये वाला, देखो यहां तक बस 5 पे आके रुक जाएंगे हम लोग। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, इसका आंसर। ठीक है, तो देखो नॉर्मली जो क्वेश्चन हम लोगों ने सीखे 10th लेवल पे, अपन लोगों ने जो सीखे, जैसे मान लो ये लिखा है, अब इसके फैक्टर करना तो तुम सबको आते ही है, इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स के क्या आंसर आ जाएंगे, एक आंसर आएगा 1 और एक क्या आ जाएगा 2। तो देखो इसके कितने आंसर आए हमारे सामने, केवल 2। सीखा है ना, जितनी डिग्री उतने ही आंसर होते हैं हमारे सामने, डिग्री 2 है तो रूट कितने हो गए अपने सामने, 2 हो गए। ठीक है, लेकिन इस केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, इस केस में जो आंसर आएगा वो हम ये नहीं बता सकते कितने आएंगे, ठीक है, काउंट करके नहीं बता सकते। ठीक है, तो इस केस के जो आंसर आते हैं वो किस में आते हैं बेटा, रेंज में आते हैं। ठीक है, वो हम, क्योंकि दिख रहा है ना 5 से बड़ा कितने नंबर है हमारे पास, इनफाइनाइट नंबर है, तो इनफाइनाइट नंबर तो हम काउंट कर ही नहीं सकते, तो जो इन केस का आंसर होता है, ठीक है, जो भी इनइक्वालिटी का आंसर होता है वो किस में आता है, ऑलवेज रेंज में, किस में आता है ये चीज, रेंज में आती है। ठीक है, तो एक बात हमेशा याद रखना कि इनइक्वालिटी का जो आंसर आएगा वो किस में आएगा हम लोगों के सामने, रेंज में। अब देखो रेंज में आएगा तो रेंज दो चीजों से डिसाइड होती है, एक मिनिमम वैल्यू और एक क्या होती है, मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, रेंज कितने चीजों से डिसाइड होती है, दो चीजों से, एक मिनिमम और दूसरा क्या हो जाता है बेटा, मैक्सिमम। अब देखो अगर रेंज में आंसर आएगा तो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू को रखने के लिए हम लोग यहां पे ब्रैकेट का यूज करते हैं। ठीक है, कौन कौन से ब्रैकेट होते हैं अपने पास, एक ये होता है, एक ये होता है, एक ये होता है और एक ये होता है। ठीक है, तुम सबने पढ़ा है, नॉर्मली हम लोगों ने इसका नाम पढ़ा होता है। ठीक है, लेकिन जो नाम तुमने पढ़ा है इससे थोड़ा सा चेंज हो जाता है यहां पे। ठीक है, इसका नाम होता है बेटा ओपन ब्रैकेट, इसका नाम क्या हो जाता है, ओपन ब्रैकेट। दोनों साइड अगर ये लगाओ, ठीक है, ये वाला सिंबल दिख रहा है ना, ये अगर ये लगाए तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ओपन ब्रैकेट। अगर ये स्क्वायर वाला लगा, दोनों साइड लगाए ना, तो इसे हम लोग बोलते हैं क्लोज, इसे क्या बोलते हैं हम लोग, क्लोज। ठीक है, दोनों साइड कौन सा ब्रैकेट हो जाए, ये वाला, दोनों साइड ओपन हो जाए तो ओपन ब्रैकेट, ये वाला लग जाए तो ओपन, ये स्क्वायर वाला लग जाए तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोज। अब देखो इस वाले में क्या है, एक तरफ से ओपन वाला है, एक तरफ से ये क्लोज्ड वाला है, इसमें भी यही है, एक तरफ से क्लोज्ड वाला है और एक तरफ से क्या है, ओपन वाला। तो इनका नाम क्या होता है, देखो इनका नाम, ठीक है, इसे हम लोग बोलते हैं सेमी ओपन। सेमी का मतलब क्या होता है, आधा। ठीक है, आधा खुला हुआ है आधा बंद है, तो इसे हम लोग दो नाम से पुकारते हैं, या तो हम लोग बोलेंगे सेमी ओपन, नहीं तो फिर इसी चीज को हम लोग क्या भी बोल सकते हैं, सेमी क्लोज्ड।
दो तरीके से बुलाया जा सकता है इसको, ठीक है, सेमी ओपन नहीं तो सेमी क्लोज्ड, ठीक। तो याद रखना इनइक्वालिटी का जो भी आंसर आएगा बेटा वो इन चार ब्रैकेट में ही आएगा, ठीक है, इन्हीं चार ब्रैकेट का यूज करना है और हम लोगों को क्या निकालना है, इनके आंसर, ठीक है। इसका नाम अगर ये लगा है तो इसका नाम क्या होता है, ओपन ब्रैकेट, इसका नाम क्या होता है बेटा, क्लोज्ड, इसका नाम क्या हो जाता है, दोनों का सेमी ओपन सेमी क्लोज। कब, जब एक तरफ ये लगा होगा एक तरफ ये लगा होगा, एक तरफ ये एक तरफ ये। अब देखो मैंने ये तो बता दिया तुमको कि इनके नाम क्या है, अब बारी आती है इनके काम क्या है, ठीक है। तो देखो अब इनके काम के बारे में भी मैं तुमको डिटेल में समझाता हूं, पहले ब्रैकेट का यूज सीखना जरूरी है, ठीक है, क्योंकि देखो आज तक हम लोगों ने इसको पढ़ा है, ऐसा नहीं कि तुम लोगों ने पढ़ा नहीं है, लेकिन इसका नाम हमें क्या सिखाया गया है, स्क्वायर ब्रैकेट, ऐसा ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट, ऐसे सिखाया गया है, लेकिन यहां पे इनके नाम चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो इनके नाम याद रखना, सबसे पहले हम लोग किसको देख रहे हैं, ओपन ब्रैकेट, मान लो जैसे मैंने लिख दिया 8 10, क्या लिखा है मैंने ओपन ब्रैकेट में 8 से 10, तो देखो इसका मीनिंग क्या होगा, 8 से लेके 10 तक सारे नंबर, 8 to 10 सारे नंबर लेने, पर ना 8 को लेना है ना 10 को लेना है, ठीक है। ओपन का मतलब क्या होता है, जिसके ऊपर ओपन लग जाएगा, ठीक है, जिसके ऊपर भी लगेगा वो चीज हमें लेनी नहीं होती, उसे छोड़कर चलना होता है, ठीक है। ओपन का मतलब क्या होता है, इस चीज को लेना नहीं है, इसे क्या कर देना है, छोड़ देना है। तो इसका मीनिंग क्या होता है हमारे सामने, 8 से लेके 10 तक सारे नंबर, बट ना 8 लेना है ना 10 लेना है, ओके, ना 8 लेंगे ना क्या लेंगे, 10 लेंगे, ओके। तो इसे याद रखना, 8 से लेके 10 तक सारे नंबर, बट ना 8 लेने वाले ना हम लोग क्या लेने वाले, 10 लेने वाले, इसका मीनिंग सेम चीज, ठीक है, सेम चीज, बस ब्रैकेट चेंज। अब देखो जिसके ऊपर क्लोज्ड लगता है, जिसके ऊपर भी ये वाला लगता है, इसको हमें हमेशा लेना होता है, इसे इंक्लूड करते हैं, ठीक है, इसको क्या करते हैं, छोड़ने का मतलब क्या होता है, एक्सक्लूड, लेने का मतलब क्या होता है, इंक्लूड। तो देखो इसका मीनिंग क्या है, 8 से लेकर 10 तक सारे नंबर, 8 को भी लेना है और 10 को भी लेना है, ठीक है, इसका मीनिंग क्या हो जाता है, 8 से 10 तक सारे नंबर, 8 भी लेना है 10 भी लेना है, इसका मीनिंग क्या होता है ऊपर वाले का, इसका 8 से लेके 10 तक सारे नंबर, बट 8 और 10 को नहीं लेना है, इसका मीनिंग क्या हो गया, 8 से लेके 10 तक सारे नंबर, बट 8 को लेना है 10 को भी लेना है, ठीक है। अब समझ गए होंगे कि जिसके ऊपर ये लगेगा उसको छोड़ेंगे, जिसके ऊपर ये लगेगा उसको लेंगे। तो देख लेते हैं, अब मान लो ऐसे लिखा है हम लोगों ने, अब देखो क्लियर है, 8 से लेके 10 तक सारे नंबर, 8 के ऊपर ये लगा है तो मतलब 8 को लेना है, पर इसके ऊपर ये लगा है 10 को छोड़ देना है, ठीक है, सेम चीज इसमें आ जाएगी, सेम चीज 8 से 10 तक, बट 8 को नहीं लेना है और 10 को ले लेना है, ठीक है। तो तुम्हें बस ऐसे याद रखना है कि जब ये वाला आएगा नॉर्मल वाला अपना ओपन वाला तो छोड़ देना है, ये वाला आएगा तो ले लेना है, ठीक है, बस इतना याद कर लो तो चारों ब्रैकेट में तुम्हें डिफरेंस भी क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखो पता होना चाहिए क्योंकि कई जगह पे अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो ये ब्रैकेट का मीनिंग भी हम लोग को बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अब देखो बच्चे यहां पे एक सिंबल यूज होगा तुम्हारे सामने, इसका ये, ठीक है, इसका नाम होता है बिलोंग्स टू, क्या नाम होता है इसका, बिलोंग्स टू, ठीक है। अब ये बिलोंग्स टू का मीनिंग क्या है मैं तुम्हें सिखाता हूं। देखो जैसे मैंने लिखा है 8 से लेके 10 तक के नंबर है, तो देखो इसमें हमें अच्छे से पता है कि 9 जरूर आएगा, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, 9 इसके अंदर बिलोंग कर रहा है, ठीक है, मतलब उस इंटरवल के अंदर अगर कोई चीज आ जाती है, कोई भी चीज उसके अंदर आती है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, ये इसके अंदर आ रहा है, तो इसका मीनिंग क्या हो गया, ये बिलोंग्स टू, ठीक है। तो ये यहां पे क्या होता है, इसका मीनिंग ये इसके अंदर बिलोंग कर रहा है, तो इसका मीनिंग इससे होता है, और अगर नहीं आता है मतलब डज नॉट बिलोंग है, तो यहां पे जो डज नॉट का सिंबल होता है वो इससे होता है, ई लेना इसके ऊपर ऐसे मार देना, ठीक है, इससे हम लोग क्या बोलते हैं, डज नॉट
belongs to, इसका नाम क्या होता है, does not belongs to, मतलब जब इसमें नहीं आएगा, जैसे मान लो छह, क्लियर है ना, छह इसके अंदर नहीं आएगा तो हम लोग कैसे लिखते हैं, छह does not belongs to this, like this, ठीक है, तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते थे, ऐसे लिख सकते थे, तो इसका मीनिंग क्या हो गया, does not belongs to, ऊपर वाले का मीनिंग हो गया belongs to। अब कहोगे सर आपने ये क्यों बताया है, तो देखो इसका मीनिंग मैं तुम्हें यहां पे सिखाता हूं बेटा अच्छे से। देखो पहले कोई भी इंटरवल ले लेते हम लोग, लिखना भी आना चाहिए कुछ चीजों को, जैसे मैंने पहले एग्जाम्पल दिया है तुमको 8 से 10, ये क्या लिखा है मैंने, एक्स बिलोंग्स टू 8 to 10, मतलब x बिलोंग कर रहा है 8 से 10 में, और क्या लगा है ओपन ब्रैकेट। अब देखो इसी को मैथ में कैसे लिखा जा सकता है, इसी चीज को हम लोग लिखते हैं कि जो मेरा x है वो 8 से 10 के बीच में होगा, क्या होगा, जो मेरा x है वो 8 से 10 के बीच में होगा, तो इसी चीज को लिखा जाता है 8 less than x less than 10, जो मेरा x है वो 8 से बड़ा है पर 10 से छोटा है, रेंज यही होती है, ठीक है, मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू, x जो है वो क्या है मेरा 8 से तो बड़ा है पर 10 से क्या हो गया है छोटा है, तो इसका मीनिंग इससे भी होता है, तो ये दोनों चीजें एक जैसी है, ठीक है, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, तो ये क्या हो गया अपने सामने 8 से लेके 10 तक, बराबर है। अब देखो आगे, मान लो ये लिखा है, इसका मीनिंग भी वही है, बट क्लोज्ड का मतलब मैंने क्या सिखाया था, इंक्लूड करना, और इंक्लूड करने का सिंबल जो इसमें होता है वो ये होता है, याद है ना, मैंने सबसे पहली वाली स्लाइड में देखो तुम्हें बताया था ग्रेटर देन इक्वल टू, तो ये जो होता है ना ये वाला, ठीक है, ये क्लोज्ड वाला, ये किसके लिए यूज होता है, ये इक्वल टू के लिए यूज होता है, यानी जिसके ऊपर क्लोज्ड लगा होगा उसके ऊपर हम लोग क्या लगा देंगे, इक्वल टू, और जिसके ऊपर ओपन लगा होगा उसके ऊपर हम लोग क्या लगा देंगे, लेस देन और ग्रेटर देन, ठीक है, ये वाला देख लेते हैं, इसका मीनिंग भी बिल्कुल सेम ही है, 8x 10, कहां लगा है, इसके ऊपर, तो इसका मतलब यहां पे लग जाएगा अपने सामने, ठीक है, फिर x belongs to 8 10, 8 10, ठीक है, क्लियर है ना, इक्वल टू इसके ऊपर लग गया, क्योंकि क्लोज यहां है तो इक्वल टू इसके ऊपर लग जाएगा, तो देखो ये दोनों चीजें आपस में बराबर होती है, रीजन क्यों लिखा मैंने, क्योंकि देखो कई बार क्या होता है बेटा, आंसर इसमें भी दिखेगा इसमें भी दिखेगा, तो कंफ्यूजन पहले से ही दूर रहेगा कि अगर ये है तो यही चीज जिसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, तो हमें पहले से ही पता होना चाहिए कि किस चीज को कैसे लिखा जा सकता है, ठीक है, तो देखो ये हो गया हमारी किसकी, ब्रैकेट की कहानी, ठीक है, ये क्या थी अपने ब्रैकेट की, कौन से ब्रैकेट, जो बचपन से हम लोग पढ़ रहे थे, लेकिन अब इनके मीनिंग क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, 1 2 3 4, ठीक है, ये हो गए 4 ब्रैकेट अपने। अब देखो एक चीज हम लोगों ने अभी यहां पे देखी थी, जैसे मैंने तुम लोग को नंबर लाइन बनवाई थी, ठीक है, नंबर लाइन पे अगर तुम लोगों ने देखा तो मैंने स्टार्टिंग पे यहां पे लिखा था माइनस इंफिनिटी और प्लस इंफिनिटी, ये क्या थी अपनी नंबर लाइन, मतलब छोटे से लेके बड़े तक के सारे नंबर, जितने भी दुनिया में नंबर है तुम्हारे पास, ठीक है, सारे के सारे नंबर को हम लोगों को यहां पे क्या कर देना है, अरेंज, ठीक है, कौन से नंबर, रियल नंबर, ठीक है, क्योंकि ये जितनी भी कहानी चल रही है सब किसकी चलती है, रियल नंबर की, कोई भी ऐसे नंबर नहीं लेना जो दुनिया में एग्जिस्ट ना करते हो, ठीक है, अभी हम लोग बात किसकी कर रहे हैं, रियल नंबर की, ठीक है, तो देखो ये क्या था अपना इंफिनिटी। अब अगर तुम लोग ट्रिग्नोमेट्री को देखो तो तुम लोग को 10th में क्या सिखाया गया है, इंफिनिटी का मतलब होता है अनडिफाइंड, और अनडिफाइंड का मतलब क्या हो गया बेटा, जो चीजें दुनिया में होती ही नहीं है, ठीक है, अब अगर जो चीजें अनडिफाइंड है तो उन चीजों को तो हम लोग कभी भी आंसर में ले ही नहीं सकते, ठीक है, क्लियर है ना, क्योंकि ये तो अनडिफाइंड है, आंसर हमारे कैसे होते हैं, डिफाइंड होने चाहिए ना, मतलब जिसकी कुछ वैल्यू हो, जिसका कुछ मीनिंग हो, उनको हम क्या बोलते हैं, डिफाइंड, पर ये क्या है, ऑलरेडी अनडिफाइंड है, तो अनडिफाइंड आंसर तो हमारे ऊपर कभी आ ही नहीं सकता, ठीक है, मतलब कुछ भी हो जाए अनडिफाइंड तो कभी होएगा ही नहीं हमारा आंसर, ठीक है, तो इसका मीनिंग ये क्या चीज समझ में आ गई, कि जो हमारा माइनस इंफिनिटी है
और जो हमारा प्लस इंफिनिटी है, इस ये कभी भी हमारे आंसर का हिस्सा नहीं हो सकते, ये कभी भी क्या नहीं हो सकते, हमारे आंसर का हिस्सा नहीं हो सकते, ठीक है। और अगर ये आंसर का हिस्सा नहीं हो सकते तो इनके ऊपर हम चाह करके भी क्लोज्ड ब्रैकेट नहीं लगा सकते, क्योंकि क्लोज्ड का मतलब क्या होता है, इंक्लूड करना, और हम इनको अपने आंसर में नहीं डाल सकते क्योंकि ये कैसे है बेटा, अनडिफाइंड। तो इसका मतलब है इसके ऊपर कौन सा लगना चाहिए, जो इसको एक्सक्लूड करे। एक्सक्लूड करने का मतलब क्या होता है, छोड़ देना, और छोड़ देने का सिंबल कौन सा था यहां पे, ओपन वाला। तो मतलब क्या हो गया कि इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी इसके ऊपर ऑलवेज कौन सा ब्रैकेट लगेगा, ओपन ब्रैकेट। क्या आंसर ब्रैकेट लगेगा, ओपन ब्रैकेट। देखो ये थी मेरी रियल नंबर, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, रियल नंबर। अब रियल नंबर का नाम यहां पे क्या हो गया, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, और इसके ऊपर क्या लगेगा, ओपन ब्रैकेट। ओपन ब्रैकेट क्यों लग गया, क्योंकि इसको हम लोगों को यहां पे क्या करना था, एक्सक्लूड। रीजन समझ में आ गया कि इसके ऊपर क्यों लगा होता है ऐसा ब्रैकेट। अब तुम लोगों ने कई बार पढ़ा होगा कि आर का मीनिंग ये भी होता है, ठीक है, माइनस इंफिनिटी से लेके प्लस इंफिनिटी पर दोनों पे क्या लगेगा, ये वाला, ठीक है। रीजन क्लियर हुआ कि ऐसा होता क्यों है, ठीक है। तो देखो इतनी इंफॉर्मेशन मैंने जो तुमको दी है वो कौन सी है अपने सामने, अभी ब्रैकेट की, ठीक है। ब्रैकेट के बाद अब स्टार्ट होगा हमारा इनइक्वालिटी का अगला हिस्सा, ठीक है, और वो हम लोग कब डिस्कस करेंगे, अगले लेक्चर पे।